दोस्तों आज हम आए हैं अम्बाला कैंट में सहानी मट्ठी वाले के पास और हमें पता लगा है कि इनकी मट्ठी बहुत फेमस है और जो कि इंडिया से भी बाहर जाती है पैकिंग होके। तो आज हम इनके पास आए हैं और आज हम देखेंगे इनका मट्ठी का टेस्ट कैसा है। और ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये आई थिंक इनकी एक पैकिंग है मट्ठी की, ये आपको दूर करके दिखा देता हूँ मैं। ये एक पैकिंग है सिंगल मट्ठी की जो पैकिंग है इनकी और इसके अंदर एक सिंगल मट्ठी पैक की हुई है। और मैं भैया से बात करता हूँ। भैया ये मट्ठी जो है ये मेरे को सुनने में आया कि आप आउट ऑफ इंडिया भी बेचते हो। दो महीने ख़राब नहीं होगी, भैया बोल रहे हैं कि ये दो महीने तक ख़राब नहीं होगी। तो इसमें मतलब कुछ भी इसको सीलन नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ये सॉफ्ट भी नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा, जैसे अभी करा रही है ऐसी रहेगी, ऐसे ही रहेगी। तो इसको आप आउट ऑफ इंडिया भी बेचते हो, कौन कौन सी कंट्री में अभी मतलब जहाँ से भी ऑर्डर आ जाए? चार क्विंटल मट्ठी मतलब एक दिन में पैक हो जाती है, बन जाती है, तैयार हो जाती है, बन भी जाती है, सेल भी हो जाती है। तो दोस्तों ये देखिए भैया कह रहे हैं कि चार क्विंटल मट्ठी एक दिन के अंदर बन भी जाती है और सेल भी हो जाती है। तो आप सोच ही सकते हैं कि मतलब कितना बढ़िया टेस्ट होगा इस मट्ठी का, जो मतलब एक दिन के अंदर चार क्विंटल मट्ठी में आप सोचते हैं पीस कितने आते होंगे। चार क्विंटल मट्ठी तैयार करना और उसको सेल करना और फिर ये इसको आउट ऑफ इंडिया भी भेज रहे हैं, फॉरन में भी जो है लोग इसको मंगवा रहे हैं। तो चार क्विंटल मट्ठी, तो मैं तो आपसे मतलब सजेस्ट करूंगा कि एक बार यहाँ पे आके आप जरूर इस मट्ठी को टेस्ट करें। और मट्ठी में ऐसा क्या है आपकी जो मतलब लोगों का प्यार भी तभी मिला होगा जब उसका टेस्ट आप अच्छा देते होंगे। तो आप खुद ही बनाते हैं उसे, अपने प्रॉपर खुद बनाते हैं उसको, तो यहीं तैयार की जाती है वो या कहीं बाहर से आप? यहीं तैयार होती है, यहीं जो जो सुबह 10 से रात को 9 बजे तक। ये देखिए ये कह रहे हैं कि सुबह 10 बजे से लेके और रात को 9 बजे तक जो है ये सहानी मट्ठी वाले जो है इनकी मट्ठी तैयार की जाती है। और आप देख ही सकते हैं कि कितनी बड़ी कढ़ाई है और उसके अंदर कितने हिसाब से कितनी मतलब गिनती भी नहीं कर सकते हम जितनी मट्ठियाँ तैयार हो रही हैं। और ये बोल रहे हैं कि सुबह 8 बजे से रात को 9 बजे तक ये मट्ठी तैयार की जाती है। और ये देखिए ये मट्ठी है जो आई थिंक ये कच्ची मट्ठी है, इसको भी पकाया जाएगा और ये प्रॉपर लाइन में लगाई हुई है ट्रे के अंदर, जिसको आई थिंक ये इसके बाद कढ़ाई में डालने वाले हैं। और यहाँ पे ये तैयार होकर काउंटर पे रखी हुई है मट्ठियाँ। क्या प्राइस है भैया इस सिंगल जैसे मट्ठी का या फिर किलो के हिसाब से? जैसे ये सिंगल पीस है तो सिंगल हिसाब से 180 रुपये किलो। और बाहर भेजने के लिए उनके अलग अलग चार्जेज जो डिलीवर चार्ज। और ये जो ऐसे सिंगल पीस आपने पैक किया हुआ है तो ये सिंगल पीस का कैसे करते हैं आप? ये सिंगल पीस मशीन से पैक होती है, तो ये तो आपसे बनती है मशीन से पैक होती है। तो ये सिंगल पीस आपने पैक किया है तो किलो अगर लेंगे तो ये पैकिंग में किलो जाएगा? नहीं, किलो में जितने पीस होंगे वो पैकिंग ही जाएंगे बाहर, पैकिंग ही जाएंगे। मैं आपको दिखाना चाहूँगा दोस्तों ये पैकिंग देखिए आप, मतलब सीरियसली मतलब प्रॉपर जैसे एक बहुत बड़ी हम कंपनियाँ देखते हैं मार्केट के अंदर जो हैं, तो जैसे उनके प्रोडक्ट पैक किए जाते हैं तो ऐसे ही ये देखिए ये सिंगल मट्ठी है और इस सिंगल मट्ठी को मैंने इतने अच्छे से पैक किया हुआ है कि ये आपके सामने मैं दिखा देता हूँ क्लोज करके ना, प्रॉपर पैकिंग है जो हम मशीनरी पैकिंग कहते हैं ना, जैसे हम मार्केट के अंदर और भी बहुत से ऐसे ब्रांड आते हैं जिनके आपने सुना ही होगा, जिनके हम कई तरह की चीज़ें खाते हैं जो प्रॉपर पैक की होती हैं, तो ऐसे ही ये देखिए सिंगल मट्ठी पैक हुई है। मैंने आज तक ऐसा तो नहीं देखा था कि सिंगल मट्ठी एक जो है इतनी अच्छी पैकिंग के अंदर पैक करके और आउट ऑफ इंडिया डिलीवर करवाई जा रही है और यहाँ पर भी लोग इसको पसंद करते हैं। और इनका जो है इनका नाम ही जो है वो सहानी मट्ठी वाले हैं। तो सर अगर आपकी दुकान पर आना हो कस्टमर को तो क्या लोकेशन रहेगी इसकी? सर ये सब्जी मंडी कहलाती है, पुरानी सब्जी मंडी अम्बाला कैंट में। अम्बाला कैंट में पुरानी सब्जी मंडी, तो यहाँ पे आपके सहानी मट्ठी वाले के नाम से आपके तो बोर भी है। अच्छा, गांधी गेट पे अम्बाला सिटी में। अच्छा अच्छा, बलदेव नगर बलदेव कैंट पे। और दुकानें भी यहाँ पे? दो दुकानें और हैं, एक बलदेव नगर में और एक चंडीगढ़ रोड पे। ओके, और इसके अलावा अम्बाला सिटी में गांधी गेट पे, तो वो भी वहाँ पे भी मट्ठी मिल सब सेम यही सब में यहीं से। ओके, 180 रुपये किलो आपने बोला यहाँ पे।